नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखेंगे हमने 10 फॉर्मूलेस के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला समिफ है। तो सबसे पहले हम समिफ का फॉर्मूला देख लेते हैं कि आखिर ये काम किस तरीके से करता है। तो इसके लिए हमने पहले से ही कुछ फंक्शंस यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे कुछ आइटम्स के नेम हैं और यहाँ पर कुछ आइटम्स के प्राइस हैं। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जिस भी आइटम का नाम डालूँ उसका प्राइस यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। हालांकि ये काम वीलुकअप भी कर देता है, लेकिन समिफ का फॉर्मूला बहुत बड़े डेटाबेस में से किसी एक पार्टिकुलर डेटाबेस को फाइंड करने के लिए बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए करना क्या है आपको, यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है। हम यूज कर लेते हैं इक्वल टू सम इफ का फॉर्मूला। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है आपकी रेंज, यानी रेंज लीजिए आप किस चीज को सम इफ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रेंज ले लेते हैं अपने सभी आइटम्स की। आइटम्स की रेंज लेने के बाद आप यहाँ पर कॉमा का यूज करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है क्राइटेरिया, यानी आपका कौन सा ऐसा आइटम है जिसको आप फाइंड करके उसका समिफ चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मान लीजिए विवो को, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सम रेंज, यानी किस चीज को सम करना चाहते हैं उसकी रेंज लीजिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया अपने आइटम प्राइस की रेंज और ब्रैकेट को करेंगे बंद और करेंगे एंटरप्राइस। एंटरप्राइस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका विवो का जो प्राइस है वो यहाँ 12,000 है। आप देखेंगे विवो का प्राइस यहाँ पे 12,000 शो हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लिखते हैं एप्पल, तो एप्पल का प्राइस यहाँ पर शो हो गया। तो ये था हमारा समिफ का फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रोमन फॉर्मूले की। तो रोमन फंक्शन जो है वो बेसिकली किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप यूज करेंगे इक्वल टू ROM, रोमन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पर आप ले लेंगे अपने नंबर की रेंज और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटरप्राइस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका रोमन वैल्यू शो हो गई। इसके बाद आप इसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर रोमन वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट हो गई। तो ये था हमारा रोमन का फॉर्मूला। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर इफ इज ब्लैंक का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। इसके बाद हम यूज करते हैं इफ इज ब्लैंक का फॉर्मूला। यहाँ पर आपको यूज करना है इज इक्वल टू, उसके बाद यूज करना है इफ, और इफ के बाद आपको लगा देना है इज ब्लैंक का फॉर्मूला। इस ब्लैंक का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको नायरा के बिल्कुल नीचे वाले सेल की रेंज ले लेनी है, ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, कॉमा लगाने के बाद दो बार इन्वर्टेड कोड यूज करना है। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको पहले मतलब समझा देता हूँ। इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि इफ इज ब्लैंक, यानी कि यदि नायरा के बिल्कुल नीचे वाले सेल के अंदर अगर कोई डेटा इनपुट नहीं होगा तो यहाँ पर आपके सामने कोई भी आंसर ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसके बाद कॉमा का यूज करिए। और अगर कोई डेटा रिप्रेजेंट हो, यानी कोई नाम अगर किसी ने लिख दिया हो, तो उसमें क्या हो, इस वन के अंदर प्लस वन हो जाना चाहिए। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस करेंगे एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू टाइप नहीं की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पर एक वैल्यू टाइप करके देखते हैं। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ कमल, और एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर टू हो गया। यानी इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि यदि इफ इज ब्लैंक, अगर इस नायरा के नीचे वाले सेल के अंदर अगर कोई डेटा ना हो तो यहाँ पर कुछ भी शो ना करे, अगर कोई डेटा हो तो इस वन के अंदर प्लस वन हो जाना चाहिए। यानी वन में वन प्लस होगा तो टू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद शिफ्ट के साथ इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग कर सकते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अब इसके अंदर जो भी टाइप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर अपने आप नंबर सिक्वेंस वाइज देता चला जाएगा। तो था ना बहुत मैजिकल फॉर्मूला। ये था हमारा इफ इज ब्लैंक का फंक्शन। और इसके बाद हम यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन। अब ये ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है, ट्रिम फंक्शन बेसिकली स्पेस को खत्म करता है। जो एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास होता है उसे ये रिमूव कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे नायरा के अंदर दो बार हमने स्पेस दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर दो बार स्पेस है, और इसके बाद अंशिका के आगे की तरफ हमने स्पेस दिया हुआ है। ये देखिए पहले स्पेस दिया हुआ है, फिर हमने अंशिका लिखा हुआ है। इसी तरह हमने हर जगह स्पेस का यूज किया हुआ है, और इस स्पेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रिम का फंक्शन। यहाँ पर आपको यूज करना है इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखना है आपको ट्रिम। ट्रिम लिखने के बाद आपको टैब का यूज करना है, आपका पूरा फॉर्मूला यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस भी टेक्स्ट का एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना है उसकी रेंज ले लेनी है, ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव हो चुका है। इसको हम नीचे की तरफ ट्रैक कर लेते हैं और कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी स्पेसेस थे एक्स्ट्रा स्पेसेस, उन सभी को इसने रिमूव कर दिया और इसने सिंगल एक स्पेस को यहाँ पर रखा हुआ है। तो जब भी हम किसी नाम पर क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर शो होता है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है ये रिमूव हो जाए इसके ऊपर से,
और ये एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, यानी एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको एक काम और करना होगा, इसके लिए आपको डेटा को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल सी करना होगा, यानी इसको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट में जाना होगा। पेस्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है आपका पेस्ट वैल्यू का, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसे पेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। पेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो नाम था वो बिल्कुल अंशिका ही शो हो रहा है, जैसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला शो हो रहा था। तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसे आप यहाँ से कट कर सकते हैं और यहाँ पर ला करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो डेटा था वो कम्प्लीटली यहाँ पर विदाउट स्पेस सेट हो चुका है और अब इस पर आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रिम का फंक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे एक फंक्शन है हमारा क्लीन। क्लीन बेसिकली क्या काम करता है, क्लीन जो भी हमारे फॉर्मेटिंग्स होती हैं वो उसको क्लीन कर देता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर हमने कलर फिल किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है और हमने इटैलिक फंक्शन का यूज किया हुआ है। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग्स होती हैं ये सबको क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्लीन का फॉर्मूला। रेंज लेनी है आपको उस वैल्यू की जिसका आपको क्लीनिंग करनी है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करिए और एंटर प्रेस करिए। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी क्लीनिंग हो चुकी है, यानी कि इसके ऊपर से फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुका है। तो ये था हमारा एक छोटा सा फंक्शन क्लीन का। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर लोअर, अपर और प्रॉपर केस के ऊपर। ये बेसिकली एक तरीके से चेंज केस होता है एमएस एक्सेल का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नायरा पांडे लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक कैप्सलाइज केस है जिसका हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल है। इसके बाद हम देखते हैं लोअर, अपर और प्रॉपर फंक्शन के बारे में। तो ये बेसिकली लोअर क्या काम करेगा, लोअर किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा और अपर क्या काम करेगा, किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर प्रॉपर क्या काम करेगा, किसी भी टेक्स्ट को कैप्सलाइज केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर यूज करना है इज इक्वल टू लोअर का फंक्शन। लोअर का फंक्शन यूज करने के बाद आपको रेंज लेनी है टेक्स्ट की, ब्रैकेट को करना है क्लोज और प्रेस कर देना है एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आपका फंक्शन था वो स्मॉल लेटर में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर अपर केस का यूज करेंगे आप, तो यहाँ पर अपर केस का मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जितने भी टेक्सेस हमारे होंगे उन सभी को क्या करेगा, ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। आप देखेंगे यहाँ पर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू का यूज करिए। मैं प्रॉपर का भी आपको यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉपर फॉर्मूला यूज करने के बाद आप रेंज ले लीजिए टेक्स्ट की, ब्रैकेट को करिए क्लोज और प्रेस करिए एंटर। यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये जो टेक्स्ट था वो आपका कैप्सलाइज केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था हमारा लोअर, अपर और प्रॉपर का फंक्शन। इसके बाद का जो फंक्शन है हमारा वो है एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है, ये स्पेलिंग चेक करता है, यानी जो भी स्पेलिंग इन दोनों सेल्स के अंदर सेम होंगी उसको ये ट्रू बताएगा और किसी भी तरह से कोई भी चेंजेस अगर इसके अंदर होगी तो वो फॉल्स बताएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे नायरा पांडे लिखा हुआ है और यहाँ पर नायरा पांडे लिखा हुआ है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पर कैप्सलाइज केस के अंदर है, तो ये इसे फॉल्स बताएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल में है और यहाँ पर कैप्सलाइज केस में है। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल इन्फोटेक, यहाँ और यहाँ दोनों बिल्कुल सेम है, स्मॉल लेटर के अंदर है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए वो ट्रू आएगा। इसी तरीके से हम बात करें एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की, तो यहाँ पर आप देखेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, यहाँ पर एबीसी पीटीवी लिमिटेड लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा फॉल्स क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर गूगल है, यहाँ पर भी आप देखेंगे गूगल बिल्कुल सेम है, यहाँ पर इसका जो चेंज केस है वो लोअर है, यहाँ पर भी लोअर है, तो इसका आंसर जो आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए वो ट्रू आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे फेसबुक है, यहाँ फेसबुक है, दोनों में ही डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखेंगे फेसबुक की स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आना चाहिए वो फॉल्स आएगा। तो इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको इक्वल टू का यूज करना है। इक्वल टू यूज करने के बाद यहाँ पर एग्जैक्ट लिख लीजिए। एग्जैक्ट लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले रेंज लीजिए नायरा की, पहले वाले सेल की, उसके बाद कॉमा लगाइए, उसके बाद दूसरे वाले सेल की रेंज लीजिए, ब्रैकेट को करिए क्लोज और प्रेस करिए एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका फॉल्स आ गया। इसके बाद इसको शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए और ड्रैग करने के बाद कंट्रोल डी दबा दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू आ गया, यहाँ पर ट्रू आ गया और बाकी सारे फॉल्स हैं। ये ट्रू क्यों आया, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग और इनका जो चेंज केस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सेम है। उसी तरीके से गूगल का भी आप मैच करेंगे, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सेम है लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंस है जिसकी वजह से इसका जो आंसर है वो फॉल्स आ रहा है। तो ये था हमारा एग्जैक्ट फंक्शन। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ रिप फंक्शन, यानी रिपीट क्या काम करता है। ये किसी एक टेक्स्ट को बार बार रिपीट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर आप यूज करिए आर ई पी रेप्ट का फॉर्मूला। रेप्ट का फॉर्मूला यूज करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आपके सामने एक फंक्शन बॉक्स ओपन होगा। इस तरीके से भी आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट की सिंपल रेंज ले लेनी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो टेक्स्ट ऑप्शन है वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कितनी बार आप इसे रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया लाइक 5 टाइम रिपीट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे नायरा 5 टाइम रिपीट
हो चुकी है। तो ये थे हमारे 10 पॉपुलर फंक्शन जो एमएस एक्सेल के बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला में से एक है। इसी तरीके से मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक टेबल का फॉर्मेट तैयार किया हुआ है जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 10 तक की यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 से लेकर 10 तक की हमने काउंटिंग लिखी हुई है। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर टेबल कन्वर्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेबल फिल हो जाए। अब ये 10 की जगह 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसको जितना ले जाना चाहें उतना ले जा सकते हैं। अब ये टेबल आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, आप मिनट भर में चुटकियों में आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको ये जो 3 बार हमने 1 लिखा है इसमें से तीसरे वाले 1 पर आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको जाना होगा, और यहाँ पर जाने के बाद आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। सिंपल सा बिल्कुल फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर यूज करेंगे ZQL2। यूज करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले रेंज ले लेंगे फर्स्ट वाले 1 की, इस वाले 1 की आपको रेंज लेनी है। इसके बाद आप यूज करेंगे इनटू, उसके बाद आपको लेना है सेकंड वाले 1 की रेंज। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड वाले 1 की रेंज हमने ले ली है और दोनों को आपस में इनटू कर देंगे और यहाँ पर प्रेस कर देंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 1 × 1 कितना होता है, 1 ही होता है। अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो आएगा 1 ही आएगा। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और अपने कीबोर्ड से डाउन एरो यूज करना है। डाउन एरो यूज करते ही आप देखेंगे जहां तक हमारा डेटा था ये वहां तक सिलेक्शन इसका हो चुका है। इसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और राइट एरो यूज करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो डेटा था वो राइट साइड में भी पहुंच चुका है, यानी यहाँ तक पूरा सिलेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद आपको जाना क्या है, आपको जाना है सीधे डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप के अंदर जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस का। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक फंक्शन होगा डेटा टेबल का। इस डेटा टेबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस आ गए, यानी सबसे पहले रो का इनपुट सेल मांग रहा है आपसे और दूसरा मांग रहा है कॉलम का इनपुट सेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेंगे सबसे पहले वाले 1 की रेंज और दूसरे वाले के अंदर हम ले लेंगे दूसरे वाले 1 की रेंज जिसको हमने आपस में इंटू किया था। इसके बाद हम प्रेस करेंगे सिंपली एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो टेबल थी वो यहाँ पर कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये आपकी पूरी टेबल 10 तक कम्प्लीट हो चुकी है। आप इसको जितना ज्यादा इंक्रीज करना चाहें उतना ज्यादा इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये था हमारा टेबल फंक्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।